लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाया हुआ है। हाफिज सईद ने कहा कि वह राजनाथ सिंह के उस बयान को युद्ध की घोषणा मानता है। आपको बता दें कि शहीद दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए हाफिज ने कहा था कि हम राजनाथ के बयान को युद्ध की घोषणा मानते हैं और चुनौती स्वीकार करते हैं। हम नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही हाफिज सईद ने पाकिस्तानी सरकार को भी चेतावनी दी। उसने कहा कि वह भारत के कथित जासूस कुलभूषण को क्लीन चिट देने की गलती ना करें। वहीं से पहले भी हाफिज सईद ने सरताज अजीज के हार्ट ऑफ एशिया में शामिल होने पर निशाना साधा था और कहा कि हिंदुस्तान जाने की बजाय अजीज को कश्मीर में जारी मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा विश्व समुदाय के समक्ष उठाने में अपना समय खर्च करना चाहिए। तो एक बार फिर हाफिज सईद की गीदड़ भभकी सामने आई है और उसने पाकिस्तान को भी कुलभूषण को क्लीन चिट नहीं देने की नसीहत दी है। देखते रहिए डीबी लाइव।